और सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे, मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त श्रीमती नंदिनी सिंगला ने आज राष्ट्रीय टेलीविजन और रेडियो स्टेशन में दर्शन नामक कार्यक्रम की लॉन्चिंग की। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण 15 अगस्त तक हर शनिवार को टाल FM और रेडियो मॉरिशस पर किया जाएगा। देखिए, MBC में भारतीय उच्चायुक्त का ये पहला दौरा रहा। श्रीमती नंदिनी सिंगला का स्वागत MBC के अंतरिम महानिदेशक द्वारा किया गया। अनुज रामसरन और भारतीय उच्चायुक्त के बीच एक बैठक लगी। जिसके दौरान विशेष रूप से MBC और भारतीय उच्चायोग के बीच सहयोग और भारत मॉरिशस द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई। इसके बाद MBC के बोर्ड रूम में उद्घाटन समारोह लगाया गया। दर्शन एक ऐसा सफर जिसके दौरान भारतीय संस्कृति की समृद्धि की एक झलक दिखाई जाएगी। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर MBC भारतीय उच्चायोग के साथ सहयोग का एक नया दौर शुरू कर रहा है। दर्शन कार्यक्रम के जरिए केवल मॉरिशन ही नहीं बल्कि भारतीय लोग भी भारत के विभिन्न राज्यों का दौरा कर पाएंगे। संस्कृति, खान पान, जीवन शैली, ये सभी विषय दर्शन कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत किए जाएंगे। दर्शन प्रोग्राम आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक अहम भाग है। 28 सप्ताहों के दौरान ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 13 अगस्त 2022 तक। दर्शन के दौरान मॉरिशस और भारत के गहरे संबंधों पर भी बातचीत की जाएगी। खासकर मॉरिशन प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगनाथ और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में। श्रीमती नंदिनी सिंगला ने इस बात पर खुशी जताई कि भारतीय संस्कृति की रक्षा तथा उसके प्रोत्साहन में MBC एक अहम भूमिका निभा रहा है। Government of India, and more importantly, all Indians, a very big dhanyavad. I want to take this opportunity to thank each one of you for your outstanding work, because MBC is not just an institution. I think it's what makes Mauritius Mauritius. What makes me even prouder is, जो लोग एक-एक राज्य के बारे में आपके यहाँ आके बोलेंगे, वो भारत से नहीं आएंगे, वो यहीं मॉरिशस वासी ही हैं। तो आप सोचिए, इस छोटे देश में हर राज्य के लोग बस रहे हैं और हर राज्य का संस्कृति यहाँ पे खिल रहा है, फुल रहा है। सो दिस दर्शन प्रोग्राम इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ नॉट जस्ट इंडियाज़ डाइवर्सिटी बट अ सेलिब्रेशन ऑफ द एब्सोल्युटली स्पेशल, यूनिक एंड स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल ऑफ द कंट्रीज, बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस। इसमें मुझे लगता है कि MBC का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जो कार्यक्रम आप दिखाते हैं, जो भारत के साथ आपने नाता बना रखा है, ये एक अहम भूमिका निभाती है इस विशेष रिश्ते को संभालने में। सो आई वॉन्ट टू से अ वेरी बिग थैंक यू टू मिस्टर अनुज रामसरन्स लीडरशिप, टू द होल टीम ऑफ द मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन फॉर बीइंग a very vital pillar in the India-Mauritius relationship. We are very, very grateful. दोपहर बाद 2:15 बजे दिल्ली पर आधारित दर्शन का पहला संस्करण शुरू हुआ। इस कार्यक्रम के पहले मेहमानों में श्रीमती नंदिनी सिंगला भी शामिल रही। उन्होंने दिल्ली में ही नहीं बल्कि भारत के कई राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं पर बात की। दर्शन भारत के एक एक राज्य की साप्ताहिक यात्रा जो MBC प्रस्तुत कर रहा है। सहस्रों साल पूर्व के भारत से लेकर आधुनिक भारत तक का सफर प्रति शनिवार टाल FM और रेडियो मॉरिशस पर।